लेट अस सी टुडे केपलर्स लॉ क्या है ये सर जोहान्स केपलर इन 13th सेंचुरी एनालाइज द प्लैनेटरी मोशन और उनकी डाटा स्टडी करके कुछ लॉ वगैरह बनाए लॉ मींस समथिंग व्हिच कैन नॉट बी प्रूव्ड बट कैन बी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड पहला था ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स विथ सन बीइंग एट वन ऑफ द फोसाई सारे प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं आपको के सर हम तो जानते हैं कि मर्क्यूरी सर्कुलर ऑर्बिट में जाते हैं रिमेंबर सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ एन एलिप्स वेयर द सेमी माइनर एक्सिस एंड सेमी मेजर एक्सिस आर ऑफ इक्वल लेंथ है ना तो ऐसा तो सारे प्लैनेट जो है एलिप्स में घूम रहे हैं इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज एन एलिप्स में बता देता हूं थोड़ा सा हाउ यू ड्रॉ एन एलिप्स आप किसी एक ड्रॉइंग बोर्ड पे दो पिन लगाओ और इन दोनों के बीच में एक लूज थ्रेड ले लो हियर इज ए वेरी लूज थ्रेड सपोज हियर इज ए लूज थ्रेड ऐसे थ्रेड है अब ये थ्रेड को एक पेंसिल से फांस के ऐसे कर दो नाउ हियर इज योर पेंसिल खींच के रखे हो पेंसिल को इसके अंदर रखते हुए यू मूव द थ्रेड व्हेन यू मूव द पेंसिल यू फाइंड ऐसे ऐसे करके आप जा रहे हो मतलब जब आपका पेंसिल यहां पे पहुंचा है थ्रेड ऐसा है जब आपका पेंसिल यहां पे पहुंचा है थ्रेड ऐसा है ना तो आप कहोगे कि ये पेंसिल इसके अंदर फांसते हुए आप मूव करवा रहे हो मूव करवाओगे यू विल ड्रॉ ए डायग्राम लाइक दिस दिस इज व्हाट इज इन एलिप्स ये दोनों पॉइंट को कहते हैं फोकल पॉइंट्स ठीक है सारा प्लैनेट सन की चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं सारा प्लैनेट सन के चारों तरफ इलिप्टिकल प्लैनेट में इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं है ना ऐसे ऐसे करके घूम रहे हैं और सन कहां पे एक फोकस में क्योंकि हर एलिप्स का दो फोकस होता है एक फोकस में है समझ में आया अच्छा सोचो और बताओ अगर बढ़िया से समझ में आया तो हमारे नौ प्लैनेट है छोटू से प्लूटो को निकाल दिए थे अभी फिर से जोड़ दिए कुछ क्राइटेरिया सेटिस्फाई करके देयर आर 9 डिस्टिंग्विश्ड प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम आउट ऑफ दैट मर्क्यूरी इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अब सारे प्लैनेट का फोकल पॉइंट को अगर हम गिनती करेंगे हमें कितने तो फोकल पॉइंट मिलेगा इट्स ए स्मार्ट इंटेलिजेंट क्वेश्चन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट फोकल पॉइंट्स यू विल गेट 9 प्लैनेट है और 9 प्लैनेट का क्या है नॉट ऑर्बिट है हर एक ऑर्बिट का दो दो तो फोकल पॉइंट है तो हो गया 18 जबकि मर्क्यूरी का तो एक फोकल पॉइंट है क्योंकि वो सर्कुलर है हो गया 17 तो ये तो मैं आपको बहकाने के लिए भटकाने के लिए बोल दिया कि देयर आर 17 डिस्टिंक्ट फोकल पॉइंट्स बट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट फोकल पॉइंट्स आर देयर बोलो देखो सोचो सारे का एक फोकल पॉइंट कॉमन है क्योंकि सन इज एट वन ऑफ द फोकल पॉइंट समझ में आ गया ना सारे का एक फोकल पॉइंट कॉमन हो गया जैसे अब ये दो ऑर्बिट दिखाया कितना तो डिस्टिंक्ट फोकल पॉइंट मिलेगा आपको एक ये और दो तो यहां पर मर्ज हो गए तीन समझ में आ रहा है क्या तो नौ प्लैनेट का होना चाहिए कितना 10 जबकि मर्क्यूरी का एक एक कम है तो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट फोकल पॉइंट्स आर देयर 9 समझ में आ रहा है जबकि हर एक प्लैनेट का ऑर्बिट का दो दो फोकल पॉइंट होना चाहिए बट एक फोकल पॉइंट सब एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहा है क्या मेरी बात सबको समझ में आया ठीक तो ये हो गया फर्स्ट लॉ केपलर्स फर्स्ट लॉ कि ये जो प्लैनेट से वो एलिप्टिकल पाथ में जा रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं कि दे आर कीपिंग देमसेल्फ कीपिंग द सन एट वन ऑफ देयर फोकल पॉइंट फाइन दूसरा ईच प्लैनेट Each planet moves around sun,
Ram Prasad in such a way that its aerial velocity remain constant. क्या है टर्म थोड़ा, दैट इज द रेडियस वेक्टर कनेक्टिंग सन एंड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया in equal time. Each planet revolves around sun in such a way that its aerial velocity remain constant. क्या मतलब, supposing हम कहेंगे ये है कोई orbit है किसी एक planet का, और ऐसा कोई एक orbit में दिया है कि sun, मान लो कि is somewhere here, sun is somewhere here. तो अभी जो प्लैनेट की बात कर रहे हैं, मान लो कि वो प्लैनेट पहले कहीं यहां पे था, ठीक है, और अब क्या हुआ, वो प्लैनेट यहां से यहां पर आ गया, कितनी समय में आया, चलो मानते सॉरी कितनी समय में वो प्लैनेट आ गया, मान लो t1 सेकेंड में वो प्लैनेट यहां से यहां पर आया, ए से बी चला गया t1 टाइम में. किसी दूसरे समय में वो प्लैनेट यहां पे था और t2 सेकेंड में यहां पे आ गया. अब दिस इज द रेडियस वेक्टर जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट. पहले जस्ट अ मिनट, पहले ये प्लैनेट यहां पे था, अब ये प्लैनेट यहां पे है, ठीक है, ये प्लैनेट यहां पे था और यहां पे है, ठीक है. दूसरा केस में, पहले ये प्लैनेट यहां पे था, अब वो प्लैनेट कुछ यहां पे है, ठीक है, तो प्लैनेट मूव कर गया है, पहले वो यहां से यहां पे था, यहां से यहां पर आया, यहां से यहां पर, यहां से यहां पर आने के लिए t2 सेकंड लगा. सपोज हम कहेंगे कि ये जो एरिया स्वीप किया है कौन, द लाइन जॉइनिंग सन एंड प्लैनेट, ये एरिया को हम A1 कहेंगे, ये एरिया को A2 कहेंगे. यू क्लियरली सी दिस टू एरियाज आर लुकिंग डिफरेंट, दोनों एरिया डिफरेंट दिख रहे हैं, और दोनों का टाइम पीरियड का मोशन भी, टाइम ऑफ मोशन भी डिफरेंट लिया गया है. लॉ कहता है द लाइन जॉइनिंग सन एंड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, दैट मींस A1 स्वीप करने के लिए T1 टाइम लगा, A2 स्वीप करने के लिए T2 टाइम लगा, तो A1 by T1 is equal to A2 by T2. ये होता है Kepler's second law. समझ में आया क्या? A1 by T1 is equal to A2 by T2 जब ये मूव कर रहे हैं. And that is constant. That is what is constant. So, aerial velocity is constant. इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कहेंगे कि aerial velocity is constant implies A1 by T1 is equal to A2 by T2. थोड़ा फिगर को मैं छोटा कर देता हूं और कुछ दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं. इसका मतलब हुआ, अगर ये dt सेकंड में dA एरिया स्वीप करता है तो dA by dt इज कांस्टेंट. थोड़ा सोचें, ये प्लैनेट है, ये ऑर्बिट है, चलो मानते हैं कि कोई प्लैनेट यहां पे रखा हुआ है, ये प्लैनेट, ये सन है, ये है. सपोज ये प्लैनेट यहां से यहां पर गया, कितना दूर पे था ये, सपोज इट वाज एट अ डिस्टेंस r, द प्लैनेट वाज एट अ डिस्टेंस r, r डिस्टेंस में था, इट वाज एट अ डिस्टेंस r, और मान
लेते हैं कि उसका स्पीड था कितना, स्पीड था सपोज कुछ ऑर्बिटल स्पीड भी जीरो, ये डिस्टेंस है आर। इफ ए प्लैनेट, इफ ए प्लैनेट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम सन मूव्स विथ ए वेलोसिटी वी जीरो, देन इन डीटी सेकेंड्स एरिया स्वेप्ट इज इक्वल टू वी जीरो डीटी, इज इक्वल टू कितना होगा, कितना एरिया जाएगा, हमें ये एरिया पता करना है। डीटी सेकेंड मतलब छोटा सा टाइम में, छोटा सा टाइम में छोटा सा डिस्टेंस गया होगा, तो आप कहोगे ये हाफ बेस इनटू हाइट, इट इज हाफ बेस हो गया वी जीरो डीटी, क्योंकि वी जीरो स्पीड में जा रहा था। और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस तो आर है, यस। तो दिस इज व्हाट इज द एरिया स्वीप, छोटा सा एरिया स्वीप कर गया है डीटी सेकेंड में, सो डी ए इज इक्वल टू दिस, सो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू कितना आएगा, इट इज हाफ वी जीरो इंटू आर, दिस इज व्हाट इज ए कॉन्स्टेंट। तो क्या पता चला, केप्लर सेकेंड लॉ कह रहा है जब कोई पार्टिकल सन की चारों तरफ घूम रहा है, अगर उसका वेलोसिटी वी जीरो है, डिस्टेंस आर, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, जिसको रिड्यूस करके सिंपलीफाई करके हम लोग प्रेजेंट किए, हाफ वी जीरो आर इज ए कांस्टेंट, अगर हाफ वी जीरो आर कांस्टेंट हुआ तो वी जीरो आर इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, नहीं तो हम कहेंगे वी जीरो इंटू आर इज कांस्टेंट, मतलब जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो स्पीड कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगा। सो व्हेन सो द प्लैनेट इज क्लोज टू सन, उसका स्पीड ज्यादा है, अवे फ्रॉम सन स्पीड इसका कम है, जितना दूर में रहेगा उतना कम स्पीड होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो यही चीज को हम लोग थोड़ा हजम करेंगे और इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा डरने की कोई बात नहीं है। अब लॉ में केप्लर जी महाराज कुछ बोल दिया हम लोग विश्वास करेंगे, ऐसा नहीं है, हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं, लॉज कैन नॉट बी प्रूव्ड, इट कैन बी वेरीफाइड, हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं कि बात सही है। कैसे वेरीफाई किए, इट कैन बी वेरीफाइड बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इट कैन बी वेरीफाइड बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या कहता है, अराउंड सन देयर इज नो टॉर्क बिकॉज ऑल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द प्लैनेट इज पासिंग थ्रू द सन, इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क। तो अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो हम कहेंगे एम वी जीरो इंटू आर इज ए कॉन्स्टेंट, एम वी जीरो इंटू आर इज ए कॉन्स्टेंट है तो आप कहोगे वी जीरो इंटू आर इज ए कॉन्स्टेंट, है ना। तो ऐसा है, तो क्या लिखेंगे, वी जीरो इंटू आर इज ए कॉन्स्टेंट, दैट इज अगेन इंप्लाइज वी वन आर वन इज इक्वल टू वी टू आर टू। थोड़ा आई गो टू सेकेंड पेज, यहां पर ज्यादा क्लमजी करने से बेहतर होगा। इसका मतलब अगर कोई प्लैनेट ऐसे घूम रहा है सन की चारों तरफ, अब यहां पर मान लो सन से उसका डिस्टेंस है आर वन, स्पीड है वी वन, है ना, और यहां पर डिस्टेंस है आर टू, ये सन है, और ये डिस्टेंस है आर टू, मान लो कि स्पीड है वी टू, है ना, तो आप कहोगे वी वन आर वन इज इक्वल टू वी टू आर टू। तो यहां पर प्लैनेट का एक्सीलरेशन हो रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है, देखो तो जैसे ये दूर जा रहा है ये सन पीछे से खींच रहा है तो उसका स्पीड घट रहा है, इट इज अंडर रिटार्डेशन, जब यहां पे है उसका एक्सीलरेशन। अकॉर्डिंगली डिफरेंट सेशंस कम, सीजन बदलते हैं, अर्थ स्पिन करने के कारण दिन रात होते हैं लेकिन सीजन बदलते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ हैज गॉट एन एटमॉस्फेयर, ये है एटमॉस्फेयर, अर्थ अगर रेस्ट में होता तो एटमॉस्फेयर ऐसे होता और ये एटमॉस्फेयर को पकड़ के रखा है, अगर आप अर्थ को जबरदस्ती खींच के ले जाओगे द एटमॉस्फेयर विल बिकम लाइक दिस, देयर विल बी डिफरेंस इन प्रेशर,
कब रेनी सीजन होगा, कब विंटर होगा, कब क्या होगा, उसके हिसाब से कब धूप होगा तो ज्यादा कड़क ज्यादा धूप होगा, तो मेनी थिंग्स विल बी कमिंग, क्योंकि इट इज इन एक्सीलरेटेड मोशन, यहाँ पर एक्सीलरेशन हो रहा है, यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। तो साइक्लोन तूफान आएगा, जब जहां पर ज्यादा एक्सीलरेशन आएगा तो हवा जो है इनर्शिया के चलते रहने की कोशिश करेगा, और पता चला कि वहां पर ज्यादा साइक्लोन हो रहा है। हर सीजन में साइक्लोन वगैरह नहीं होता है, समर सीजन में, मगर समर सीजन जब खत्म होने वाला है तब साइक्लोन होता है, बारिश आता है ना, तो ये सब चीजें होता है, मेनी थिंग्स हैपन। सो बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, सीजन चेंज होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्पीड बदलता रहता है, डिस्टेंस के साथ स्पीड का क्या रिलेशन है, v1r1 = v2r2। दिस कैन बी वेरीफाइड, ये अक्सर क्वेश्चन में आता है, केप्लर्स सेकेंड लॉ कैन बी वेरीफाइड। केप्लर सेकेंड लॉ कैन बी, ये थ्योरेटिकल है फिर भी आता है, वेरीफाइड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन प्लैनेट, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन प्लैनेट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सन, क्योंकि टूवर्ड्स सन डायरेक्टेड है। एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन प्लैनेट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सन, देयरफॉर नो टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड अराउंड सन, नो टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड अबाउट सन एंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट सन रिमेन कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम अबाउट सन रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब सोचो कि ये कोई एक प्लैनेट है, वो सन के चारों तरफ घूम रहा है, भी जीरो स्पीड में जा रहा था, जब ये डिस्टेंस था आर, तो क्या हो गया एंगुलर मोमेंटम, एम भी जीरो इंटू आर, दैट इज ए कॉन्स्टेंट, इंप्लाइज भी जीरो इंटू आर इज ए कॉन्स्टेंट, यही तो बोल रहा है केप्लर्स लॉ, वी वन आर वन इज इक्वल वी टू आर टू। क्लास 11th की स्कूल एग्जाम वगैरह में डालते हैं इसको, वेरीफाई लॉ केप्लर सेकेंड लॉ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंट्रेंस में डालते हैं व्हाट इज द लॉ सपोर्टिंग केप्लर सेकेंड लॉ, नीचे बहुत सारे लॉ दिया रहेगा, आपको ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज सपोर्टिंग। ओके, नाउ लेट अस सी केप्लर थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या कहता है, ईच प्लैनेट और डिफरेंट प्लैनेट्स, डिफरेंट प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन सच ए वे दैट द स्क्वायर ऑफ देयर टाइम पीरियड is proportional to the mean radius, of orbit, मतलब t square is proportional to r cube। वो भी ये भी आता है कि यूजिंग सर्कुलर ऑर्बिट्स वेरीफाई केप्लर थर्ड लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि हम लोग कर चुके हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी के बिगनिंग में, ये वाला प्रूफ, लेकिन वो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए था। ये आर क्या, आर इज मीन रेडियस, मीन रेडियस का मतलब क्या,
आर इज मीन रेडियस। किसको कहते हैं मीन रेडियस? अगर ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये एलिप्स का ये वाला एक्सिस को कहते हैं मेजर एक्सिस और ये वाला एक्सिस को कहते हैं माइनर एक्सिस। ये जो है, ये जो लेंथ है आपका ये वाला, इसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, ये सेमी माइनर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस को कहते हैं मीन रेडियस, ठीक है। तो ये इट इज सेम एज ए, द सेमी माइनर मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस को हम लोग मीन रेडियस कहते हैं, ठीक है। टी स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन रेडियस। प्रूफ करिए सर। प्रूफ कैसे करेंगे, नहीं कर सकते, इसलिए तो लॉ है। ये ऑब्जर्व किया गया है, केपलर अपनी सारे स्टूडेंट्स को लेके सारे प्लेनेटरी पोजीशन को ऑब्जर्व किए, लोकेशन टाइम के साथ रिकॉर्ड किया और देखे कि दे आर सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन। दिस वाज लॉ मींस समथिंग यू डिस्कवर इन द नेचर, कैन नॉट प्रूव। यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। वी डोंट इन्वेंट केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ वाज डिस्कवर्ड, मतलब केपलर देखने से पहले भी ये चीजें हो रहा था और ये हाल था कि दिस टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मतलब T1 by T2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू मीन रेडियस A1 by A2 का क्यूब। ये क्या है? सेमी मेजर एक्सिस, जिसको हम मीन रेडियस कहेंगे। कभी कभार कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा चीज याद रखना है, याद रहे कि एक्स्ट्रा चीज है एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कभी मदद में लग जाएगा। सपोज हम कहेंगे ये है एलिप्स और ये है उसका माइनर सेमी माइनर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस। ध्यान रहे एरिया ऑफ द एलिप्स इज गिवन बाय पाई एबी। अगर हम कहेंगे ड्यूरेशन ऑफ वन ईयर फॉर ए प्लैनेट, ड्यूरेशन ऑफ वन ईयर मींस द टाइम पीरियड, T is time period of revolution, जिसको हम कहेंगे duration of a year। हर एक planet में duration of one year बराबर नहीं है। तीसरा हुआ, अगर कोई planet if v naught is velocity at a distance आर, सपोज हम कहेंगे ये है हमारा सन, प्यारा सा सन यहाँ पे है और कोई प्लैनेट यहाँ पे जा रहा है इधर से भी जीरो वेलोसिटी में। थोड़ा ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है प्लैनेट का पोजीशन और ये है उसका वेलोसिटी भी जीरो, ये है वेलोसिटी भी जीरो। तो आप देखोगे कि दिस मस्ट बी मेकिंग सम एंगल थीटा। ये एंगल को आप थीटा को, ये एंगल को, हाँ ये एंगल को थीटा को। तो आप देखोगे ये डीटी सेकंड में कितना एरिया जाएगा, डीटी सेकंड में कितना जाएगा, कितना एरिया स्वीप करेगा। ये इधर को वेलोसिटी देखो, ये वेलोसिटी हो जाएगा वी जीरो साइन थीटा, ओनली फॉर न्यूमेरिकल अप्रोचेस। डीटी सेकंड में ये कुछ यहां से यहां पर जाएगा, यहां से यहां पर जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दिस विल बी वी जीरो साइन थीटा इनटू डीटी, क्योंकि इस डायरेक्शन में कितना गया। तो व्हाट विल बी द एरिया, डी ए इज वी जीरो साइन थीटा इनटू डीटी इनटू आर। डी ए इज इक्वल टू वी जीरो साइन थीटा डीटी इनटू आर। तो डी ए बाई डीटी क्या है, हाफ वी जीरो साइन थीटा, ये हो गया डीए बाई डीटी विच इज ए कॉन्स्टेंट, मतलब इट इज सेम एज टोटल एरिया बाई टोटल टाइम, मतलब आर वी जीरो साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू पाई ए बी बाय ड्यूरेशन ऑफ द ईयर। ये याद रखना। अक्सर हम लोग पेरिलियन या फिर एपिलियन पोजिशन में लेते हैं, अगर वो यहां पे है तो हम थीटा का वैल्यू क्या आ जाता है, जीरो है। थीटा का वैल्यू यहां पर क्या आ जाता है,
90 डिग्री आ जाता है। थीटा 90 डिग्री आ जाएगा तो आप कहोगे वी आर जीरो बाई टू इज इक्वल टू पाई एट। तो याद रखना जो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है डीए बाई डीटी, ये कांस्टेंट और डीए बाई डीटी, चलो ये अगर आपको बड़ा कंफ्यूज लग रहा है तो फॉरगेट, आपको याद रखना है कि डीए बाई डीटी इज ए कांस्टेंट एंड व्हाट इज दैट कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज पाई ए बी बाई टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, ये तो याद रखो क्योंकि डीए बाई डीटी तो वही है, पूरा एरिया को जा रहा है टी सेकंड में, यूनिट एरिया को कितना जाएगा डीए बाई डीटी को पाई ए बी बाई टी। समझ में आ रहा है क्या? So this way you remember this formula, this may be helpful, वो थीटा वाले कॉन्सेप्ट में ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, but they may ask you, I don't know whether they will ask or not, but they may ask you about this type of things also, ये एक बड़ा important formula है, याद रखना, dA by dt is pi AB by 2, समझ में आया? हाँ, ये केपलर के तीन लॉ हम लोग अभी यहाँ पे देख लिए। चलिए आज की सभा को हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।